भोपाल से विधायक आरिफ मसूद ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर कहा कि आपके द्वारा जो आंकड़ों का खेल किया गया है 6 अगस्त तक केवल स्थगित किया गया है। इसमें बिजली उपभोक्ता के बिल माफ नहीं किए गए हैं, केवल आपने स्थगित किए हैं। आपके द्वारा कोरोना वायरस जनहित महामारी में घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली राहत में आपके द्वारा जारी व्यक्त और शासन के पत्र में घोषणा की गई है कि 1 किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को आगामी सितंबर और अक्टूबर 2020 में मात्र उनकी वर्तमान मासिक खपत के आधार पर विद्युत देयक राशि दिए जाने के संबंध में पूर्व बकाया और सरचार्ज राशि समावेश न किए जाने के संबंध में अस्थगित बकाया राशि को किया गया है। आरिफ मसूद ने कहा कि 1 किलोवाट के कनेक्शन का बिल अगस्त तक स्थगित करने का मतलब यह है कि 90% लोगों को इसका लाभ लेने से वंचित किया गया है, क्योंकि सिर्फ एक बत्ती कनेक्शन वाला उपभोक्ता होता है उसके पास ही 1 किलोवाट कनेक्शन होता है। इसके अलावा सारे उपभोक्ता 1 किलोवाट से अधिक के ही होते हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। माननीय शिवराज सिंह जी, आप मध्य प्रदेश की जनता के साथ कब तक छल और कपट करेंगे? कब तक आप चुनाव जीतने के लिए झूठे मनगढ़ंत घोषणाएं करते रहेंगे और जनता को परेशानी में डालते रहेंगे? और अफसोस के साथ कह रहा हूं कि कोरोना में भी आपको शर्म नहीं आ रही, आपको कोरोना में भी ये नहीं लग रहा कि आप किस तरह से जनता को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं? मेरे को तो बहुत अफसोस हो रहा है कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। हमें मालूम है हालांकि आपने किस तरह से सत्ता पाई है, लेकिन सत्ता पाने के बाद आप इतना मदमस्त हो कि आज की तारीख में आपको जनता को परेशानी देखने के बजाय सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लालीपॉप देना और उसके लिए जनता को दूसरी तरफ परेशानी में डाल देना, इसका भी आपको एहसास नहीं है? कल आपने घोषणा करी कि बिजली के बिल माफ़ करें, मेहरबानी करके आज आपका आदेश मेरे पास मिला है, वो आदेश आपका मैं अभी दे रहा हूँ। जो आपके यहाँ से आदेश जारी हुआ उस आदेश में कहा है स्थगित करा। हम लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हैं शिवराज सिंह जी, स्थगित करने का मकसद क्या होता है और माफ़ करने का क्या होता है? स्थगित आपने अगस्त तक का कराया, सेप्टेम्बर का आप बिल लेंगे और उसके बाद आप एरियर्स के नाम पे बाकी का बिल भी ले लेंगे। और आपने स्थगित भी जो करा है वो 1 किलो यूनिट का करा है। 1 किलो यूनिट निम्न श्रेणी, कमलनाथ जी की तरह दरिया दिली दिखाते, जिन्होंने किसी में भी भेदभाव नहीं करा, तमाम जनता को समानता के साथ एक रूप में रखा और एक रूप में रखने के बाद सबके यूनिट एक हिसाब से उन्होंने दिए थे। आपने जो धोखा जनता के साथ करा है, मेहरबानी करके ये छल कपट बंद करिए और आप जारी करिए आदेश, या तो पूरी जनता के पूरे बिल कोरोना के 6 महीने के माफ करिए और ये ढोंग पीटना बंद करिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।